Hello everyone, so today we will discuss Wi-Fi and WiMAX. Okay, there are two technologies works on wireless technology. So first is Wi-Fi wireless fidelity. Okay, and WiMAX stands for worldwide interoperability for microwave access. यहाँ पर वाईफाई एंड वाईमैक्स दो चीज़ों की बात हो रही है. तो वाईफाई क्या होता है? वाईफाई होता है, आपको पता है कि छोटी एरिया में हम वाईफाई का यूज़ करते हैं, और वाईफाई एक मीडियम है. इट इज़ जस्ट अ मीडियम जहाँ से इंटरनेट के सिग्नल्स क्रॉस करके आपके सिस्टम तक पहुँचते हैं. वाईफाई का यूज़ क्या है कि आपके जो वाईफाई सिग्नल्स है उनको डिवाइड करके आप मल्टीपल डिवाइस में यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो सिर्फ एक मीडियम है, ये एक डिवाइस है जो कि आपके जितने भी डिवाइसेस इससे कनेक्ट हैं, हॉटस्पॉट बनाया हुआ है, उतने डिवाइसेस इससे कनेक्ट करके हम उस इंटरनेट के सिग्नल्स को यूज़ कर सकते हैं. बट जो वाईफाई होता है वो एक छोटे एरिया के लिए होता है. ठीक है, कुछ मीटर्स तक ही यूज़ होता है. अगर आप मीटर उस रेंज से बाहर जाते हो तो वाईफाई सिग्नल्स लॉस होने लगते हैं, आपको प्रॉपर नेट नहीं मिल पाता है. ओके, अब बात हो रही है वाईमैक्स की. वाईमैक्स एक्सटेंडेड वर्जन है वाईफाई का. ठीक है, वाईमैक्स में क्या होगा? वाईमैक्स में आपके एरिया में अगर ISP ने टावर लगाया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, उस वाईमैक्स की जो सिग्नल्स हैं वो ऑल ओवर द सिटी या फिर इसकी रेंज मान लो कि 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक के बीच में होती है. उसमें जितने भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं, वो उस वाईफाई के सिग्नल्स को यूज़ कर सकते हैं. तो वाईफाई होता है एक छोटी जगह पे यूज़ करने के लिए, जैसे कि लैन आप जानते हो, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम एक लोकल ऑफिस या बिल्डिंग में यूज़ करते हैं. बट वाईमैक्स क्या होता है? ये वाईमैक्स आपका काम आता है मैन टेक्नोलॉजी में, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क विद इन द सिटी और विद इन द शॉर्ट रेंज लाइक 50 किलोमीटर्स टू 100 किलोमीटर्स. सो अब यहाँ पर मैंने कुछ क्राइटेरिया लिखा है लाइक वाईमैक्स एंड वाईफाई में क्या डिफरेंसेस हैं. तो क्राइटेरिया है हमारा फर्स्ट लॉन्चिंग ईयर, कब लॉन्च हुआ था ये. ठीक है, इसका लॉन्चिंग ईयर क्या है? तो 1997 में लॉन्च हुआ था और वाईमैक्स लॉन्च हुआ था 2004 में. कवरेज एरिया होता है इसका 50 मीटर्स अप्रॉक्स की, जिसकी जो रेंज होती है वो 50 मीटर्स की रेडियस में होती है. लाइक यहाँ पर हमने डिवाइस लगाई है वाईफाई की, तो उसकी जो रेंज होगी वो 50 मीटर्स की रेंज होगी. 50 मीटर्स तक ही वो अपने सिग्नल्स को सेंड कर सकता है, 50 मीटर्स की रेडियस में अपने सिग्नल्स को सेंड कर सकता है. कवरेज एरिया ऑफ वाईमैक्स इज 50 किलोमीटर्स टू 100 किलोमीटर्स. इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, इसमें पूरा पूरा सिटी ही आपका इंक्लूड हो सकता है. नेटवर्क क्या किस नेटवर्क को यूज़ करते हैं? ये यूज़ करता है लैन नेटवर्क को, एंड वाईफाई यूजेस मैन नेटवर्क. ओके, नाउ IEEE स्टैंडर्ड्स. IEEE एक सोसाइटी है जो कि कुछ स्टैंडर्ड्स, जितने भी आपके नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको ये स्टैंडर्डाइज करती है. ठीक है, आप कितनी बैंडविड्थ यूज़ करोगे, कितनी रेंज होगी, कौन सा नेटवर्क यूज़ होगा, तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करते हैं? IEEE स्टैंडर्ड्स. ओके, इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फॉर्म है IEEE का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स. ठीक है, जो ये आपका इंस्टीट्यूट है, ये आप एक सोसाइटी है जो कि डिसाइड करती है कि कौन सी टेक्नोलॉजी कितना बैंडविड्थ या कितनी रेंज यूज़ करेगी, वो ये सोसाइटी डिसाइड करती है, ये स्टैंडर्डाइज करती है. ओके, तो यहाँ का पहला स्टैंडर्ड था हमारा 802.11 जो कि हमारा वाईफाई सिग्नल्स यूज़ करते हैं 802.11, और जो वाईमैक्स सिग्नल्स यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं 802.16. नाउ सब्सक्राइबर, इसके जो सब्सक्राइबर है वो 1 to 10 अप्रॉक्स हो सकते हैं. अगर आपने एक वाईफाई डिवाइस लगाई है तो उससे सिर्फ 10 डिवाइसेस ही वहाँ पर कनेक्ट हो सकती हैं, या फिर उसकी जो बैंडविड्थ है वो 10 डिवाइसेस में ही डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है. बट जो वाईमैक्स है उसमें सब्सक्राइबर्स आपके अनलिमिटेड हो सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं, हंड्रेड्स में भी हो सकते हैं. टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी यूज़ करती है रेडियो वेव्स, ये रेडियो वेव्स को यूज़ करती है अपने ट्रांसमिशन के लिए, और जबकि वाईमैक्स यूज़ करती है माइक्रोवेव्स को. तो आई होप आपको ये वाईफाई एंड वाईमैक्स का डिफरेंस समझ में आ गया होगा. इफ़ यू हैव फाउंड एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन.